नमस्कार। भारत वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज का पहला मैच बांग्लादेश ने 7 विकेट से जीत लिया। मैच बड़ा ही कांटेदार रहा। अंतिम ओवर में 4 रनों की दरकार थी। अभी 4 गेंदें शेष थी कि महमूदुल्ला ने चौका लगाकर बांग्लादेश को 7 विकेट से जीत दिला दी। चलिए बात करते हैं शुरू से। इंडिया बांग्लादेश T20 सीरीज के पहले मैच में टॉस जीता बांग्लादेश ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से मैदान में उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन की चीर परिचित जोड़ी। हर कोई जानता है कि रोहित शर्मा आज कप्तान थे, तो बतौर कप्तान या कुछ भी कहें, रोहित शर्मा आज वो जलवा नहीं दिखा पाए, अपनी हिटमैन वाली छवि नहीं दिखा पाए। और इस तरह से भारत ने रोहित शर्मा के रूप में अपनी पहली विकेट गंवाई। रोहित शर्मा 9 रन पर आउट होकर वापस लौट गए। शिखर धवन जो कि काफ़ी समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे, उम्मीदें जताई जा रही थी कि वो अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करेंगे और कोई खास जलवा दिखाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। शिखर धवन अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरे और एक अच्छी पारी का प्रदर्शन किया। शिखर धवन ने 1 छक्के और 3 चौके की मदद से 42 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए, लेकिन महमूदुल्ला की गेंद पर रन आउट हो गए। इसके बाद आते हैं केएल राहुल भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और 15 रन बनाकर लौट गए। विराट कोहली आज के मैच में नहीं थे, लेकिन उनके जोड़ीदार श्रेयस अय्यर, जिनकी केमिस्ट्री हमने विराट कोहली के साथ देखी पिछली 2 सीरीज में, श्रेयस अय्यर ने भी भारतीय पारी को संभालने का काम किया और 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बनाए। MSD की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 27 रन जोड़े। और इस तरह से कृणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर वो जोड़ी थी जो कि नॉट आउट लौटे। और भारत ने निर्धारित 20 ओवर खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाकर बांग्लादेश को जीतने के लिए 147 रन का टारगेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी लिटन दास और मोहम्मद नायाम की जोड़ी। लिटन दास कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और महज 7 रन बनाकर लौट गए, लेकिन मोहम्मद नायाम ने कंपैरेटिवली अच्छी पारी का प्रदर्शन किया और 1 छक्का और 2 चौके लगाते हुए 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद सौम्या सरकार ने भी बहुत ही अच्छी पारी का प्रदर्शन किया, 2 छक्के 1 चौके की मदद से 39 रन दिलाए। भारतीय गेंदबाज आज कुछ खास जलवा नहीं दिखा पा रहे थे और बांग्लादेशी बैट्समैन के सामने बेबस नजर आ रहे थे। बांग्लादेश की जोड़ी मिशफिकर रहीम और महमूदुल्ला क्रीज पर टिके हुए थे और अब लगने लगा था कि बांग्लादेश की जीत तय है। और चलते चलते मैच लास्ट ओवर में फंस गया जब 6 गेंदों पर 4 रन की दरकार थी। इस जोड़ी ने बहुत ही संयम से अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और अभी 4 गेंदें शेष थी कि महमूदुल्ला ने चौका लगाकर बांग्लादेश को 7 विकेट से जीत दिला दी। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया वर्सेज बांग्लादेश फर्स्ट T20 मैच की समरी कम हाइलाइट्स। आज के इस कांटेदार मैच और बांग्लादेश की जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहेगा, देखने के लिए बने रहें सूर्यन DC चैनल के साथ। वो वीडियो आपको मिलने वाला है अभी थोड़ी ही देर में, लिंक ऊपर होगा, जरूर देखें। अभी के लिए बस यही, मिलते रहेंगे। जय हिंद।